कांग्रेस के 84वें अधिवेशन के पहले दिन देश भर से जमा हुए कार्यकर्ताओं में पार्टी के नेता जोश भरते नजर आए। इस दौरान सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं से कर्नाटक चुनाव में जीत दर्ज कर एनडीए को स्पष्ट संदेश देने का आह्वान किया। गुजरात में हुए चुनाव के साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश उपचुनाव में बेहतर परिणाम से उत्साहित कांग्रेस अब कर्नाटक में बीजेपी को मात देने की तैयारी में दिख रही है। महाधिवेशन को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने सबसे पहले नए अध्यक्ष राहुल गांधी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राहुल ने बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में ये जिम्मेवारी संभाली है, हमें उनके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। पार्टी की जीत देश की जीत होगी, हम सबकी जीत होगी। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में पार्टी शानदार प्रदर्शन करके देश की राजनीति को नई दिशा देगी। कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारे परिश्रम से पता चलता है कि जो अपनी राजनीति से हमारा अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि अभी भी देश के लोगों के दिल में कांग्रेस के लिए कितना सम्मान और भाव है। साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बने जो सभी वर्गों की नुमाइंदगी करे और सबको साथ लेकर चले। कांग्रेस वैसी पार्टी बने जो देश को एक सूत्र में बांध कर ले चले। सभी को ये सोचने की जरूरत है कि पार्टी को कैसे और मजबूत बनाई जाए ताकि पार्टी की जीत हो। महाधिवेशन के दौरान सोनिया गांधी ने अपने राजनीति में आने के दिनों को याद करते हुए कहा कि परिस्थितियों की वजह से मुझे सार्वजनिक जीवन में आना पड़ा। मैं राजनीति की दुनिया में कभी नहीं आना चाहती थी, मगर जब मुझे लगा कि पार्टी खतरे में है तो पार्टी की जन भावनाओं को समझते हुए मैंने पार्टी के नेतृत्व को संभाला। कांग्रेस के शासनकाल के बारे में बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हमने कई ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योजनाओं को लागू किया। हमने मनरेगा, सूचना का अधिकार और कई योजनाओं से करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि आज मुझे बहुत दुख होता है कि इन सभी योजनाओं को मोदी सरकार कमजोर कर रही है और खत्म कर रही है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।